गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से, ईश्वर की दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। आज है मेरी मॉर्निंग शिफ्ट और अमित का आज ऑफ। अमित रहेंगे आज अरुण के पास। आज वो कहीं घूमने अभी तो नहीं जाएंगे, शाम को या दोपहर के बाद में अलग बात है। और आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तैयारी कर ली है। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाने हैं परौंठी, दाल वाली। कल की दाल बची हुई थी तो उसी को मैंने आटे में गून दिया, थोड़ा सा अनियन और हरी मिर्च और थोड़ा धनिया डाल के उसकी बनेंगी परौंठी। और लंच के लिए मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव में आज मेरे पास एक चीज़ मिसिंग है जो कि मैं मटर डालती हूँ। मटर आज मेरे पास नहीं है तो उसकी जगह मैं स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। दिखाती हूँ, ये देखो, आज मैंने थोड़ा सा लिया है मस्टर्ड ऑयल और राइस को मैंने थोड़ा गर्म पानी में भिगो के रख दिया। उसमें मैंने हल्के से राजमा और चने की दाल भी डाली आज थोड़ी सी। और ये देखो, एक मैं अनियन डालूंगी, थोड़ी सी अदरक और दो हरी मिर्ची, स्वीट कॉर्न है, टोमेटो है। टोमेटो को मैं हल्का सा फ्राई करके ऐसे ही डालूंगी, उसको बीच में ऐसे पकाऊंगी नहीं, हल्का सा तवे पे या पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी अलग से, तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा वाला टेस्ट आएगा। एक पोटैटो है, थोड़ी सी कॉलीफ्लावर है, थोड़ी सी ये वाली पत्ता गोभी है और ये है थोड़ी सी स्वीट कॉर्न। ये मैंने रिप्लेसमेंट में ली है। वैसे मैं डालती हूँ स्वीट कॉर्न भी, लेकिन अगर मटर होती है तो मैं स्वीट कॉर्न नहीं डालती, तो ये मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न। ऑयल हो चुका गरम तो इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया और इसके बाद में डालती हूँ मैं हरी मिर्च। ये मैंने थोड़ी सी, आज मैंने अदरक को थोड़ा सा मोटा काटा है तो वो हम पहले भी डाल सकते हैं क्योंकि वो चिपकेगी नहीं। और ये मैंने डाल दिया अनियन को, मैं पतला पतला और लंबा काटती हूँ इसमें ना। इसमें मैंने डाल दिए थोड़ी सी, मैंने डाल दिए अनियन। ओके, इनको हम करेंगे अच्छे से फ्राई होने तक इनको। अरे यार, गैस तो मैंने मीडियम पे रखा है। इसमें थोड़े से मोटे मोटे प्याज और थोड़ी सी मतलब चॉप अदरक कहेंगे, थोड़ी सी मोटी काटती हूँ मैं उसको, बिल्कुल क्रश नहीं करती। तो ये मेरे को इसमें अच्छे लगते हैं पुलाव में ना। ये मैंने क्या किया, अलग से फ्राई करने के बजाय थोड़ा सा ऑयल आज मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने क्या किया, टोमेटो को एक साइड में मैंने सेपरेट कर दिया अनियन और दूसरी साइड में टोमेटो। तो टोमेटो को मैं ऐसे थोड़ा सा निकाल लूँगी, हल्का सा सेमी फ्राई करके ये मैं निकाल लूँगी तो थोड़े खड़े खड़े रहेंगे, अच्छे लगेंगे। ये देखो, इस तरह से ये टोमेटो सेमी फ्राई हो गए और ये लास्ट में जब बन जाएगा ना, पुलाव बन जाएंगे उसके बाद में लास्ट में ऐड ऑन करूँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट इनका आता है। मैंने टोमेटो को निकाल के अनियन जैसे ही थोड़े से पिंक से हुए तो मैंने इसमें सबसे पहले पोटैटो ऐड कर दिए। और पोटैटो इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है बाकी चीज़ों से, तो थोड़ी सी मैंने मिर्च डाल दिया, लाल मिर्च। गाइस मुझे नहीं पता आप लोग डालते हो कि नहीं, मैं हल्दी नहीं डालती इसमें। ये मैंने डाल दिया है नमक, इतना मतलब होगा। ये मैंने डाल दिया नमक और हल्दी आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, ये पहले थोड़ा सा एक ऑयल पड़ा था जिसमें मैं भी थोड़ी सी हल्दी यूज हुई हुई थी तो वही वाला ऐड हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी का आ रहा है कलर ना। अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ पुलाव में हल्दी, मुझे वो रंग बिरंगे से वैसे वाले अच्छे लगते हैं, ग्रीन मटर वाले जैसे। येलो में मेरी स्वीट कॉर्न हो जाती है, वाइट में मेरी गोभी हो जाती है ना, और ग्रीन में मेरी ये पत्ता गोभी हो जाती है, इस तरह से कुछ कुछ टोमेटो मेरे रेड में हो जाते हैं तो वो अलग सा कलर आता है तो उससे बड़ा अच्छी लुक आती है। ये इसको मैंने कवर कर दिया है पोटैटो डाल के, तो थोड़ी सी देर में ये स्टीम्ड हो जाएंगे थोड़े, तो उसके बाद में मैं डालूंगी गोभी, पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न। ऐसे ही आलू थोड़े से पके, मैंने डाल दी बाकी चीज़ें, बाकी वेजिटेबल्स, और इनको भी थोड़ा सा पकने देंगे। इनको खुला ही पकने देती हूँ, इनको मैं स्टीम नहीं करती, थोड़ा सा ये घी क्या छोड़ेंगे, ऑयल जो भी है छोड़ेंगे, तो मैं बाकी राइस इसमें ऐड कर दूँगी। उसमें आज मैंने अलग तरीके से थोड़ी सी हल्के से 5-4 दाने राजमा के और थोड़ी सी चने की दाल भी डाली है, मे भी थोड़ा सा अलग टेस्ट है, हटके बना रही आज थोड़ा सा। अब ये देखो, मैंने बाकी भी राइस भी इसमें ऐड कर दिए तो थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब डबल डालते ना राइस से, तो राइस से थोड़ा सा डबल पानी डाल के गर्म पानी डालूंगी मैं इसमें, तो जल्दी बन जाएंगे क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में जल्दी होती है ऑफिस के लिए, तो फिर ये बन जाएंगे। ये देखो इधर मेरे पुलाव भी बन गए, मैंने लास्ट में टोमेटो ऐड कर दिया। गाइस
फ़ोन का कल फिर से टेम्पर्ड ग्लास टूट गया है। और हुआ क्या कि ऊपर से गिलास चाहिए था मेरे को, फर्स्ट फ्लोर पे रहती है पूनम, तो उसने गिलास जैसे फेंका, मेरे हाथ में फ़ोन भी था, मैंने कैच करना चाहा तो गिलास का किनारा इस पर टेम्पर्ड ग्लास पे लग गया और फिर से क्रैक हो गया। और अभी मैं फ़ोन ऊपर बुलाई थी ड्यूटी जा रही हूँ, तो मैंने अमित को बोला फ़ोन लिफ्ट में रख दो, उन्होंने देख लिया, आ जाके फिर से डांट खाने वाली काम फिर से डांटेंगे देखना। मुझे लगता है मेरे लिए एक लोहे का फ़ोन बनना चाहिए, लोहे का फ़ोन होगा तो टूटेगा नहीं। और पता नहीं मेरे से क्या हो रहा यार, कोई बताओ, कोई सॉल्यूशन बताओ, अगर इसके लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, पूजा है, कोई प्रसाद है तो मुझे। जो फ़ोन मैंने लिया था Google Pixel 7 Pro, वो मेरा सेकंड टाइम ख़राब हो गया है। हुआ क्या, होली वाले दिन हम लोग वीडियो बना रहे थे, वो एक्सट्रीम बैटरी इसकी हॉट हो गई, इंडिकेशन आ रही थी बट थोड़ा सा इग्नोर कर दिया यार उस टाइम हमने। और अब हो क्या रहा है, वो दो दिन से फ़ोन जब हम चार्जिंग पे लगा रही मैं, तो 2-3% के ऊपर जा ही नहीं रही है बैटरी। अब मेरे को इतनी टेंशन हो रही है। फिर आज मैंने फाइनली, कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर आज मैंने सोचा कि चलो एक मेल डाल के देख लेते और भेज देते फिर से सर्विस स्टेशन। बट हुआ क्या कि इन बिटवीन ही बेटे से बात होगी, तो उसने बोला कि मम्मा आप ऐसे करो, फ़ोन को पहले आप 15 मिनट टिश्यू पेपर में या किसी में रैप करके फ्रिज में रख लो और 15 मिनट्स के बाद में उठा लेना, और जब उठाओगे तो उसको बाहर भी 15 मिनट्स एज इट इज छोड़ दो ओपन करके, और जब ओपन करके छोड़ोगे जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद में उसको चार्जिंग पे लगाना, मे भी ठीक हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, कोशिश करके देख लो, अदरवाइज़ तो फिर भेज ही देंगे। तो फिर सेम प्रोसेस मैंने किया ऑफिस में और लकली ये काम किया, ये अब चार्ज तो हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज तो करके अभी नहीं देखा, जितना भी टाइम मेरे को मिला थोड़ा सा चार्ज मैंने किया और हो रहा है चार्ज अभी, और वीडियो भी बन रही है, वरना बीच में मेरी स्टक हो गई थी यार, बीच में फ़ोन कितना सारा कुछ रह जाता है बताइए आपको। बिस्किट्स लेने, एक दो सामान और लेना है घर के लिए, और प्रवीण से मिलना है, वो कल परसों से मेरे से नाराज़ है, रीज़न उसको अभी पता चल जाएगा क्योंकि वो खुद ही बोलेगी। बता माफ क्यों किया, क्या बात हो रही थी बताना गाइस को, बताना क्यों माफ, बताना भेज रहे हो अभी, बताओ क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट गाइस को बता के हटी हूँ कि प्रवीण मेरे से नाराज मिलेगी, मैं उससे मिलने जा रही हूँ स्पेशली। अरे अरे आपसे कौन नाराज हो सकता है गाइस, ये ऑन स्क्रीन मुझे माफ कर रही है, मैं दिव्या को माफ कर रही हूँ और मैंने माफ कर दिया है, क्योंकि इसने ना मेरे को ना होली की वीडियो ना बहुत लेट सेंड करी, और उसका रीजन गाइस ये नेक्स्ट वाली जो ब्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि रीजन क्या रहा, और लेकिन मैंने इसको अभी बता दिया, थैंक यू मेरी बेस्टी है, इसलिए माफ। रुक लिए, ओरियो केक बनाना है आज फिर से, तो मैंने ले लिए काफी सारे, 2 केक बन जाएंगे इनसे, खत्म हो गया उसका। गाइस जैसे मैंने बताया था कि फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हो रहा था, उसके बाद में बेटे ने जो तरीका बताया उसे चार्ज होने लगा, तब मैंने बोला था 100 रुपीज का प्रसाद बांटूंगी, वही लेने चल रहे हैं, बांट देंगे आप। दद्दू डेयरी पे दीदी आई है प्रसाद लेने, देखते क्या लेते हैं दीदी प्रसाद में। जो फोन टूट गया था हमारा, जैसे फोन चार्ज हो रहा था तो मैंने दोपहर को ही बोला था कि 100 रुपये अगर फोन चार्ज होगा तो चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो हमारे यहाँ चार्ज आएगा दादी देवी से। क्या ले रहे हो प्रसाद में दीदी? प्रसाद में बूंदी सही रहती है क्योंकि सारी खुशी तो हाँ तो
जो भी है भैया बोल रहे हैं 100 रुपए की जितनी आई उतना ही देना है कि हाफ की जितनी है मैंने कहा 100 रुपए की जितनी आई उतना ही देना है अच्छा बताते हैं प्रसाद पैक हो गया है कुछ और तो नहीं लेना आपने कुछ भी कुछ खाना तो नहीं दीदी कुछ गोलगप्पे वगैरह खा सकते नहीं मुझे तो कुछ नहीं खाना अगर आपका मन है तो आप खा सकते हैं आप मिट्टी खा लो चलो खाओ सकते हैं नूर मट्ठी ले रही है सबको खिलाई जा रही है हो गया नूर अभी जा रहे हैं घर नूर क्या खा रहे हो आप सुंदर लाइटिंग है हाँ ये ना हमारी हमारे यहाँ पे पीर बाबा है देखो यहाँ पे भी ना लोग चाय देखो प्रेयर करते हैं और ये जस्ट द्वारा कल हमें यहाँ आना है मैक्स में तो पूनम कहती है उसने थोड़ा सा कुछ लेना है आज तो वो आ नहीं पाई किसी रीजन से कल आएंगे उसके साथ में पक्का ठीक है समझ नहीं आ रहा टाइम इंटरेस्ट यार नेट नहीं होता ये नूर को मैं घूमी घूमी करा दी आगे वापिस और अभी जाके मंदिर में मत्था टेक देंगे प्रसाद बांट देंगे अभी पंडित जी वहीं पे हैं बच्चे भी हैं तो हो जाएगा नूर घूमी घूमी करके आए हो आप हेलो बोल दो नूर हेलो हेलो आए गाइस पहुंच चुके हैं घर जोत मैंने लगा दी है प्रसाद मैंने रख दिया है सबको जितनों को भी कंट्रीब्यूट करना था मैंने कर दिया है और मैं एक बात कहना चाहूंगी इससे पहले जो मैंने कल वाला व्लॉग डाला था और वो व्लॉग पता नहीं कैसे एडिटिंग में मेरे से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो बहुत ही गंदे तरीके से डाला है स्क्रीन पे बहुत छोटा आ रहा है जैसे मिनिमाइज करके हम देखते हैं वैसे वाला आ रहा है लेकिन जब मैंने व्लॉग को देखा मैंने पहले देखा ही नहीं था उसको मतलब कि रन करके जब मैंने देखा तो उस पर 60+ व्यूज आ चुके थे तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसको डिलीट करूँ और दोबारा से डालूँ जैसा भी यार बीच बीच में गलतियाँ हो जाती है सपोर्ट करना अगर सपोर्ट करोगे तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी नहीं तो फिर डिस्करेज हो जाऊँगी धीरे धीरे स्टार्टिंग पीरियड मेरा कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर भी मैं सीख रही हूँ कुछ कुछ और इसी के साथ गाइस आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में केक रेडी होने वाला है थोड़ा सा 5-7 मिनट और लगेंगे परफेक्ट बन गया इसको ना मैं ऐसे कैसे कवर करके छोड़ दूंगी
और एक दो घंटे तक ना ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर से बाहर निकालो ना तो पूरा का पूरा एकदम से निकल के आता है, टूटता नहीं है जरा सा भी। अगर बीच में हम अभी गर्म गर्म निकालेंगे तो थोड़ा सा टूट जाता है। ये गाइस जो अब की बार मैंने नाइट में केक बनाया था वो देखो, मैंने थोड़ा सा एक दो घंटे के लिए क्या रात भरी छोड़ दिया था ऐसे कुकर में, तो कितना फैंटास्टिक गोल गोल और पूरा पूरा एज इट इज निकल आया ये देखो, और बहुत ही सॉफ्ट होएगा ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कट करके, ये इसमें से हाफ जाएगा पूनम का और हाफ रहेगा यहाँ पे। ये देखो कितना शानदार है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी होगा ये, आप देखोगे ना सॉफ्ट सॉफ्ट। गाइस आज की व्लॉग की एंडिंग करते हैं नाइट में, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना रात को, शांत एकदम शांत है, मतलब सिर्फ एक तो व्हीकल का साउंड है, अदरवाइज बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत प्यारा है यार इस टाइम। अगर इवनिंग मतलब रात को अगर वॉक करने निकलो तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसी के साथ गाइज ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू गाइज, गुड नाइट, सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।